भाई साहब आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस अपनी बिल्लो रानी से। सो यार बिल्लो रानी कभी फ्यूल अप करवाने जाना होगा क्योंकि फ्यूल अप का काटा एक भी नहीं है। और गाइस हम निकल चुके अपने कॉलेज के लिए। सो यार सबसे पहले करते हैं ब्लॉग का थोड़ा इंट्रो। हे गाइस वेलकम बैक एंड बैक टू द अनदर ब्लॉग। होप गाइस आप सब अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। सभी को राम राम के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस अभी सीधे चलते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में सबसे पहले फ्यूल अप कर लेते हैं क्योंकि यार पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। भाई साहब लग रहा है यार कि पेट्रोल मेरे गाड़ी में यार पूरा ख़त्म है क्योंकि यार 200 का पेट्रोल भरे हैं। तो यार हमें लिमिट में ही पैसा दिया जाता है कॉलेज के लिए क्योंकि यार समझ रहे हो यार मिडिल क्लास फैमिली से ऐसे ही होता है कि फुल टंकी बस हम लोग कहीं जाते हैं तो ही भरते हैं। भाई 200 का पेट्रोल भरा यार एक भी काटा नहीं आया। तो यार चलो देखते हैं, कॉलेज हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और भाई तुम्हारे भाई ने आज कॉलेज का नया यूनिफॉर्म पहन लिया है। भाई पूरा शाहरुख खान वाला फीलिंग आ रहा क्योंकि यार हमने थोड़े ढीला डाला सिलाई करवाया है क्योंकि भाई यार इससे पहले हमारा हम अभी कर रहे ग्रेजुएशन। तो यार ग्रेजुएशन पूरे 3 साल का है। तो यार हमने 3 साल में 3 बार ड्रेस सिलवाई कराया। एक बार फर्स्ट टाइम करवाए थे उस समय भी पैंट फटा था। फिर यार सेकेंड टाइम करवाए यार भाई रोड चेक करो सेकेंड टाइम करवाए। सेकेंड टाइम वाला भी कॉलेज में ही फटा था यार कॉलेज से निकलते निकलते। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है उस समय में। तो यार हमने अभी बहुत ज़्यादा ढीला डाला सिलाई करवाए ताकि पेंट फटे ना, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यार सारी चीज़ें डन ओके हो गई है। तो यार चलते सीधा अभी कॉलेज। छनाटा के चपाए हो तो रे कहने चला जरे बाबू भाई। सब बच्चे को यार चढ़ा के ले जा रहे थे और पीछे वाला छोटा सा बच्चा था उसका पैर फंस गया था। तो यार मेरे बैग में या पर्स में डिटॉल पट्टी वगैरह रहता है तो यार नहीं था, क्या करे यार। आज के बाद से फिर से चेक करके रख लिया करेंगे। हमने चेक करा तो नहीं मिला, छोटा सा बच्चा था, आप लोगों ने देखे यार उसका पैर छिला गया। तो भाई हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते का नाम है यार सातनाला। और आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यार क्या ही बताया, आप इस रोड से जो जो गुजरा है उन कमेंट में बता दो यार। मेरे कमेंट में तो कमेंट करने पर बोलने पर भी नहीं करते, पर यार जो दिल से प्यार करते हैं अपने भाई से तो यार कमेंट में कर दिया करो कि यार आपको इस रास्ते से गुजरते हुए किस तरह का फीलिंग आता है। यार मेरे को तो पूरा मनाली वाला फीलिंग आता है कि हम भाई यार लद्दाख के लिए कहीं से निकले हैं। चेक करो यार रोड भी बहुत अच्छा है। और गाइस जो व्यू है ना, व्यू का बात करें तो भाई जमशेदपुर का आप जुगली पार्क जिस तरह से है, पार्क में बैठने से जिस तरह का फीलिंग नहीं आता ना भाई, इस रोड से आप कभी घुमा करो वैसे उससे बढ़िया फीलिंग आएगा भाई। देखो चारों तरफ किस तरह का व्यू है भाई। यार हम पहुँच चुके यार, पहुँचने वाले हैं गाइस देवना चौक। और यार हमारा कॉलेज का टाइमिंग कुछ ऐसा है ना यार कि सारे स्कूल कॉलेज का अभी छुट्टी हो रहा है। देखो यार इस कॉलेज की स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं और अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। हम कॉलेज जा रहे थे यार, कुछ स्टूडेंट हमें देख भी रहे कि भाई यार कहाँ जा रहे हैं यार, हम क्या बताया आपको, हमारा टाइमिंग ही कुछ ऐसा है कॉलेज का। और गाइस पता है आपको जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पे क्या रहती है, लुटेरा। और यहाँ पे उधर है लुटेरा भाई। ऐसे आदमी से ऐसा बंदों से आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि यार पुलिस वाले अगर रोक लेंगे ना भाई तो फिर समझ जाओ आपको लूटने वाले हैं। तो हमें देख के नहीं रोके क्योंकि यार जानते हैं तुम्हारा भाई फकीर आदमी है, इसको रोक के क्या ही मिलेगा। चलो आगे चल के देखते हैं और कहीं पे। अरे यार यहाँ का भी रोड इतना ज़्यादा ख़राब है। देखो गाइस यहाँ पे अभी सब कॉलेज वगैरह से आ रहे हैं और अभी हम कॉलेज जा रहे हैं। तो बचपन में यार बस वगैरह से जाया करता था, मेरे घर बगल से बस जाते थे। तो यार स्कूल से आते आते पूरा यार शकल मुरझा जाता था। तो यार पापा बोले कि यार तुम अगर यही स्कूल जाते रहेगा यही टाइम में तो यार तुम क्या हो जाएगा नहीं पता। तो यार सोचे कि इसका तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा क्योंकि यार 5-6 बज जाता था बस में, बहुत भूख भी लगता था। और यार आपको बता दें कि हम सबसे पहले घर में आके होमवर्क बनाते थे, होमवर्क बनाने के बाद ही यार खाना खाते थे। और अभी नहीं पता यार क्या हो गया, आ गया आप लोग समझदार हो गाइस। भाई साहब डर लगने तो लग गया, अब क्या पता क्या होगा, आगे चल के ही देखा जाएगा, देख के पता करते हैं। भाई हम तो सामने सामने से ही जा रहे, क्या पता रोक ले यार, नहीं रोकेंगे।
जानता है तुम्हारा भाई फकीर है, इसको रोकेंगे तो क्या ही मिलेगा, बच्चा कॉलेज जा रहा है, 200 रुपये दिया था पापा, 200 का तो पेट्रोल ही डाल लिया है। मानगो पुल बिरसा मुंडा गेट जमशेदपुर वेलकम यू। और गाइस यहाँ पर भी कुछ लुटेरा खड़े हैं, आपको दिखाते हैं। और देखिए और देखिए, अगले हेलमेट नहीं पहना था आ रहा था ये लुटेरे भाई। अगर आपको पकड़ लिए तो समझ लो कि आपके पॉकेट में जितना पैसा है उससे तो होगा ही नहीं, मानते ही नहीं है यार, छोड़ने नहीं मानते हैं। आपको बता दें यार कि आज 9 तारीख है अक्टूबर का, और गाइस अभी थोड़ा समय ख़राब चल रहा है। अब आप पूछोगे क्या कि यार क्या ख़राब चल रहा है, तो यार आपको बता दें कि मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन गाइस टूट चुका है। तो भाई साहब यार कब ब्लॉग आएगा नहीं पता, तो भाई यार जब भी ब्लॉग आए आप सपोर्ट कर दिया करो। कि भैया आपको पकड़ने के लिए आ रहे थे पुलिस सब, आपको देख के पकड़ने के लिए आ रहे थे, आप हेलमेट लगा दिए तो रुक गए। हाँ लुटेरा है कि नहीं पुलिस सब, लुटेरा है कि नहीं? हाँ कैमरा है, यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हैं, चैनल है मोटो ब्लॉग। तो भाई हम देख रहे थे कि आप आगे बिना हेलमेट के जा रहे थे, आपको देख के रोकने वाले थे, तो आप हेलमेट पहन ले तो वो साइड हो गए। और गाइस आपको बता दी कि मेरा फ़ोन टूट चुका है, तो यार गोप्रो का जो वीडियो एडिट होता है वो गाइस आईफोन या फिर कुछ अच्छे वाले एंड्रॉयड से एडिट होता है। तो यार पता नहीं यार फ़ोन मिलेगा कि नहीं, किसी का फ़ोन से एडिट करना पड़ेगा। तो यार वीडियो जब भी आए आप सपोर्ट कर दिया करो भाई। तो यार सही टाइम में आए हैं, किससे फोन में मंगने हैं नहीं पता, वीडियो कॉल में हमको दिखा रहे। भाई ड्रेस कैसा लग रहा पहले बताओ, स्मार्ट लग रहा क्या हाल है? अरे मित्र बढ़िया बढ़िया। अरे हेलमेट ठीक है भाई साहब, मिल चुका है, अभी चलते हैं सीधा कॉलेज के लिए। हाँ तो भाई बोल रहे हैं कि यार डेली ब्लॉग डाला करो, मेरा दोस्त लोन भी देखता है, बोल रहा है कि चलेगा। तो यार आप लोग सपोर्ट कर दिया करो भाई को, तो यार कैसे नहीं चलेगा। आप भाई तुम लोगों के लिए यार अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएगा। अगर आपको बता दें कि यार फोर्थ सेमेस्टर में चढ़ने के बाद ये शायद सुन दो, फोर्थ सेमेस्टर में चढ़ने के बाद हम लोग आज पहला क्लास है ना, पहला क्लास है भाई, हम लोग टीचर डांटेंगे अभी। चलो यार थोड़ा सा डांट खा लेना पड़ेगा, अगर नहीं डांटेंगे तो यार अच्छी बात है, और डांटेंगे तो फिर डांट सुनना ही पड़ेगा। तो यार हम कॉलेज के बहुत ज़्यादा करीब है, यहाँ पे हमारा कॉलेज है और 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। कल देखते हैं, कल अगर फ़ोन बनाने देंगे तो ठीक है। तो भाई यार हम लोग कॉलेज से निकले, कॉलेज से निकल के यार थोड़ा बहुत नाश्ता कर ले, क्योंकि यार विचार 1 बज रहा है। तो हम निकले थे घर से यार 12-1 बजे। करण ठीक है ना? मेरा गाड़ी 65 में भाग रहा है, उसका गाड़ी तो और तेज भाग रहा है, स्प्लेंडर है, थोड़ा थ्रोटल देते और भगाएगा। सब हम फिर से आ चुके अपने सब नाला वाले रोड पे, और आपको एक प्यारी सी चीज़ दिखाते हैं इधर चिपके। और सनसेट हो गई है, थोड़ा सा दिख रहा था यार पहाड़ के बीच, आपको नज़र आ रहा होगा। और गाइस चारों तरफ आप देख सकते हो सिर्फ पहाड़, और आपको अच्छे अच्छे ट्रीज नज़र आएंगे। यार आपको यार विश्वास नहीं होता तो यार एक बार हम अपना फ़ोन चेक करा देते हैं। यार देखो पूरा फूट गया है फ़ोन, तो यार पता नहीं ब्लॉग कब आएगा, पूरा तरह से फूटी है। तो यार पता नहीं ब्लॉग कब आएगा नहीं पता, तो यार जब भी आएगा, जब भी आ रहा होगा वीडियो देख रहे होगा, तो यार सपोर्ट कर दिया करो भाई। यार फ़ोन बनवाने के लिए दे दिए, भैया बोल रहे कल मिल जाएगा नंबर लेकर, अब काम आपका कम बोल आके लगा देंगे। भैया अपना नंबर लिख रहे हैं, होप गाइस जल्दी से बन जाए तब आप लोगों का ब्लॉग जल्दी से मिलेगा। भाई यार हम पहुँच गए घर, सारी चीज़ें डन हो गई है, बस अब एक ही चीज़ बाकी यार आप लोगों को सब्सक्राइब करने, यार चैनल का सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें बनाने दे दिए हुए हैं, और अभी कॉलेज आए देखो, और यहाँ पे हेलमेट वगैरह भी रखे हुए हैं, और एक दो बच्चा भी आया यार मेरा वीडियो में आने के लिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यार करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।